ओम शांति। 13 जनवरी 2019 अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 10 अप्रैल 1984। प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। आज बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी हैं, ऐसे ही कहेंगे कि यह योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं, वह विश्व की प्रिय बनती ही हैं। सभी को यह रूहानी नशा रूहानी रुहाब रूहानी फखुर सदा रहता है कि हम परमात्म प्यारे भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, प्रभु प्यारे बन गए। यह कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है, बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन निराशा की जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने, इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, ऐसा अनुभव करते हो। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो व सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु के प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यास रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं।
तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं, ज्ञान की गुहिया बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना? यह भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। समझा? यह तो सहज है ना? अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है। समाना ही समान बनना है। समझा? सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फखुर में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एक, सभी सहज योगी आत्माएं होना, सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहां संबंध है वहां सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ, यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्व शक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियां साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने। ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने, समस्या जाने। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूँ, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से
चुकतू का बोझ नहीं, तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना, जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। टीचर्स से सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली होना, अनुभवी आत्माएं होना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में हर कार्य में सफल हैं ही। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो। यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो। सफलता ही है, इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएगी। जन्मते ही सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला है तो बड़े ते बड़ी चांसलर बन गई ना। बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो, तकदीर जगाकर आई हो। कितनी आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई। तो सदा याद रहे वहां मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला और सेवा के साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला, राज्य भाग्य सब मिल गया। यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। कुमारों से कुमार जीवन में बच जाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है। लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री ना रहना माना बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है।
लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है। इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसे समझकर करो। कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहे वह कर सकते हैं, इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज है। अनेकों से तो छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म से सेवा करनी है, दृष्टि से मुख से सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, चुने हुए विशेष अव्यक्त महावाक्य, कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत विदेही बनो। विदेही व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए एक हद के मेरे मेरे के देह अभिमान से मुक्त बनो। दो लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त बनो। तीन पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनो। चार यदि कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त बनो। पांच पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए, इससे भी मुक्त बनो। व्याधि का आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन ज्ञान चिंतन शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त बनो। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्म योगी बन कर्म के बंधन से सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो, यही कर्मातीत विदेही स्थिति है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कोई कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसे लगे जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए,
चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहना ही विदेही स्थिति है। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे रहना यही कर्मातीत विदेही अवस्था है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना है, कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत नहीं होना है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थार्थ न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीनता है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। कर्मातीत अवस्था में कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानने के कारण सदा हर बात में राजी रहेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे। वे अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त होंगे। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। कर्म योग की स्थिति से कर्म भोग को परिवर्तन कर देना, यही कर्मातीत स्थिति है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करती है। वह कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह संकल्प बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो जाएंगे। विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसी हद की इच्छा मुक्त आत्मा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बाप समान
काम धेनु होगी। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर बनो। सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुखों के चक्करों से मुक्त रहना, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बनो। कर्म में आओ, फिर कर्म पूरा होते न्यारे हो जाओ। यही है विदेही स्थिति का अभ्यास। आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आत्मा राजा है, मालिक है। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन है तो यह एक बंधन अनेक बंधनों को ले आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी अर्थात बंधन मुक्त राजा बनो। इसके लिए पावरफुल ब्रेक रखो। जो देखना चाहो वही देखो, जो सुनना चाहो वही सुनो। इतनी कंट्रोलिंग पावर हो तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे। वरदान। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.